तो गाइज आज हम यहाँ आए हैं, देख सकते हैं सामने इज्जत नगर रेलवे स्टेशन का खूबसूरत सा व्यू है। और यहाँ हम लोग हमारा इज्जत नगर रेल कैफे का टी कोना, और यहाँ पे आज हम लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से हम लोग जो है ट्रेन के मतलब इंडियन ट्रेन के खूबसूरत नज़ारों के साथ आज इवनिंग जो हमारा नाश्ता है उसको एंजॉय करेंगे। तो कुछ ही समय में हमारा नाश्ता आने वाला है ऑर्डर किया हुआ। चलिए हमारा नाश्ता आएगा तभी आपसे मिलते हैं। सो अपना ये पहला आइटम यहाँ आ चुका है, ये है मैंगो मिल्क शेक। चलिए इसे टेस्ट करते हो बताते हैं। और सुन सकते हैं आप हॉन्क बहुत तेज़ी से आ रहा है, ट्रेन भी आ रही है, वो दिखाते हैं आपको। ट्रेन की व्यू के साथ साथ इसको भी एंजॉय करेंगे। वाओ क्या व्यू है गाइस, देख सकते हैं यार। सो हमारे मिल्क शेक के साथ और ये ट्रेन गुजर रही है, पास हो रही है यहाँ से, गजब का व्यू है। ट्रेन आपकी ये पीलीभीत स्पेशल 05311 बरेली सिटी से अभी डिपार्ट करके यहाँ आई है, अराइव कर रही है इज्जतनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा स्वाद है इसका। गाइस बेहद कमाल का है, बहुत ज़्यादा कमाल। अब वो ट्रेन जा रही है सामने, अभी अभी अराइव की। चलिए अभी अपना दूसरा आइटम भी आने वाला है, उसको भी टेस्ट करके बताएंगे हम सबको। तब तक के लिए ये एंजॉय करते हैं अभी। गाइस हमारा दूसरा आइटम भी आ चुका है और कुछ खास लग नहीं रहा, मतलब जिस रेट जिस तरह से इसका प्राइस है उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि वाकई में इतना चार्ज किया है। 80 रुपये की ये प्लेट हमें पड़ी है, देख सकते हैं आप 6 मोमोज है केवल और एक चटनी। चलिए बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, खा के देखते हैं इसको। ये एक और ट्रेन यहाँ पर अराइव की है 05322 टनकपुर बरेली सिटी स्पेशल चत्तगर के प्लेटफॉर्म नंबर दो पे अभी अभी अराइव किया। फिर इसके डिपार्चर में आपको दिखाते हैं, बड़ी देर लग रही है यार आने में। तो गाइस इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो खाना पीना था, इंजॉयमेंट था, वो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये सब वीडियो, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा ब्लॉग है, बताइएगा ज़रूर। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जो मैंगो मिल सकता है वो ज़्यादा अच्छा था, 120 रुपये का गाइस वो पड़ा हमें, काफ़ी मतलब जिस हिसाब से इसका रेट था अच्छा खासा स्वास्थ्य था, बढ़िया था। लेकिन जो पनीर मोमोज़ की प्लेट गाइस पूरी 80 रुपये की पड़ी, उसमें 6 मोमोज़ थे, उसमें कुछ ज़्यादा खास मुझे लगा रही अंदर, मतलब जब हम उसे चबा रहे थे तो कचर कचर की आवाज़ आ रही थी, वो शायद अच्छी नहीं थी थोड़ी। पनीर मोमोज थोड़ा सही नहीं लगा और मुझे 6 के 6 मतलब खा भी नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से खा रहा था मैं। चलिए वे गाइस एंड करते हैं इस छोटे मोटे ब्लॉग को, फिर से मिलेंगे इस रेल कैफ़े इज्जत नगर की टी कोने में, एक बार फिर से पार्टी करेंगे और दिखाएंगे आपको तरह तरह के मतलब जो पकवान है यहाँ के, रिव्यू करेंगे यहाँ के। तब तक मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। इज्जत नगर स्टेशन।
सो गाइस एक और फिशिंग हमारे लिए, कमान होंग की बस देरी है। वाओ क्या फिशिंग है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी सो मच। इज्जत नगर का बैप बन 22037। ट्रेन गाइस कौन सी है ये शायद। ये मुझे ये गाइस चेकआउट करके बताना पड़ेगा ट्रेन कौन सी है। वेरी वेरी थैंक यू इज्जत नगर का वेपन, बहुत बढ़िया विशिंग करी इनने। वाह wow.